नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। दिवाली 2 दिन दूर है और ऐसे में मोदी सरकार जनता को खुश करने के लिए तोहफे लाई है। जी हां, इस साल देश को 3 तलाक और धारा 370 जैसे तोहफे भी मिले, लेकिन अब मोदी सरकार सीधा लोगों से जुड़े दिवाली गिफ्ट लेकर आई है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 5 बड़े फैसलों पर मोहर लगाई है, तो चलिए आपको बताते हैं मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले। इन बड़े फैसलों में सबसे बड़ा तोहफा दिल्ली के लोगों को मिलेगा। सरकार ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के वैध करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले ने 1797 अनधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए ये बड़ी राहत दी है, जिससे यहां रह रहे करीब 40 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा केंद्र ने कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को भी बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने गेहूं का MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 85 रुपए बढ़ाकर 1925 रुपए क्विंटल कर दिया। वहीं दालों के MSP में 325 रुपए क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। 2019-20 के लिए गेहूं का MSP 85 रुपए क्विंटल बढ़ाकर 1925 रुपए प्रति क्विंटल किया है। जौ का MSP भी 85 रुपए बढ़ाकर 1525 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। दाल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए मसूर का MSP 325 रुपए बढ़ाकर 4800 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तीसरा बड़ा फैसला BSNL और MTNL के मर्जर का भी है। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत संचार नगर निगम लिमिटेड BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के मर्जर के फैसले पर भी मोहर लगा दी है। इससे इन कंपनियों को लेकर चल रही आशंकाओं पर भी विराम लगेगा कि ये कंपनियां चलेंगी कि नहीं। घाटे में चल रही कंपनियों को पटरी पर लाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड जारी किए जाएंगे। 38,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने VRS पैकेज का भी ऐलान किया है। अगर किसी कर्मचारी की उम्र 53 साल है तो 60 साल तक उसे 125% वेतन मिलेगा। बता दे VRS का मतलब है स्वेच्छा से ना की गई जबरदस्ती। वहीं अब केंद्र सरकार ने गैर पेट्रोलियम कंपनियों को पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार ने ईंधन के खुदरा कारोबार को गैर पेट्रोलियम कंपनियों के लिए खोल दिया है। अब ऐसी कंपनियां भी पेट्रोल पंप खोल सकेंगी जो पेट्रोलियम क्षेत्र में नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से ईंधन के खुदरा कारोबार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। केंद्र सरकार एक और जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो है ITBP के जवानों के लिए। ITBP का कार्डर रिव्यू किया जाएगा, जिससे ITBP में भर्तियां बढ़ेंगी। समय पर पोस्ट क्रिएट करने में आसानी होगी। इसके बाद ग्रुप ए में 60 नई भर्तियां की जा सकेंगी। बता दें सरकार अगले संसद सत्र में इन फैसलों से जुड़े बिल लेकर आएगी। तो कैसा लगा आपको ये दिवाली गिफ्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे वीके न्यूज़। शुक्रिया।